सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दसवीं कक्षा में सोलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30। वर्ग घन क्षेत्र का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि यह अपने आयताकार आधार HP पर पड़ी दिशा में पड़ा है और XY के साथ बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाता है। भुजा 3 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसमें XY रेखा लेंगे। इस तरह से और हमें इसमें 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो यहां से हम इसमें 30 डिग्री का कोण ले लेंगे। इधर को दिया हुआ है, इस तरह से, और हम इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। ये मैं इसलिए पीछे तक लगाता हूँ क्योंकि ये जो आप इसका कोण होता है ना, ये कोण सही नहीं होता, इसलिए लाइन सीधी नहीं लगती है, सही नहीं लगती है। इसलिए से मैं इसको हल्की सी सिर्फ एंगल निकालने के लिए इस रेखा को लगाता हूँ। यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर डॉटेड लगाना है, फिर हम इस रेखा को डार्क लगा देते हैं। ये हमारा जो एंगल है ये है 30 डिग्री और ये जो रेखा हमारी है ये है 5 सेंटीमीटर की हमारी भुजा है। तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से, ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया है। इसका नाम हम दे देते हैं, ये ए है और ये हमारा है बी। अब इसकी जो भुजा है वो है एक, इसकी लंबाई थी, ये लंबाई हमारी है 5 सेंटीमीटर और भुजा इसकी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने 90 डिग्री पे यहाँ से इसकी भुजा ले लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, ये हम ले लेंगे, इसको मिला देते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा है सी, ये हमारा है डी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री पे इसके पोजीशन लेने हैं एक्स वाई तक, पहले इस तरह से डॉटेड आए हैं, ये आपका सी है, तो ये हम सी का पोजीशन ले लेते हैं। ये हमारा है ए, ये हमारा है डी, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे बी, ये है सी, ये हमारा है ए, ये जो हमारा पॉइंट है ये है डी। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट यहाँ से जो है वो 90 डिग्री पे हमने इनको उठाना है यहाँ से, और इनकी हाइट रहेगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने एक्स वाई पे अच्छे से हमने सेट कर एडजस्ट करना है 90 डिग्री पे, और यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर लेना है। या हमारे हम यहाँ से फुट्टा भी यूज कर सकते हैं अब, क्योंकि ये हमारे पास लाइन है, इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाना है। तो अब हमारे को इसका जो कोण है वो तिरछा नहीं होगा, तो यहाँ से ये हम यहाँ से फुट्टे से है इसमें लाइन लगा सकते हैं सीधी, ये आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारी, ये जो है हमारी रेखा आएगी ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर आएगी, और ये ए की जो हमारी रेखा आएगी ये हमारी आएगी डॉटेड, ये डार्क नहीं आएगी हमारी, क्योंकि ये हमारी जो है वो ढक गई है, और ये हमारा है डी, ये भी हमारा डार्क आएगा इस तरह से। ये जो रेखा है वो इसके पीछे यहाँ पे ऐसे ढक गई है, इसलिए हमारी डॉटेड आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर से मिला देते हैं इस तरह से, और इसमें हम पॉइंट दे देंगे यहाँ पे बी सी, ये हमारा है ए, और ये हमारा है डी, और ये प्रश्न नंबर आपका है 30। इस तरह से
ये हमारा प्रश्न नंबर 30 बन के तैयार।